यार विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सबसे बड़ी आपको बात बता दें, यहाँ पर इंसिडेंट कमांडर सेक्टर 14 की बात करें, सेक्टर 14 में जो इंसिडेंट कमांडर भगत सिंह है उन्होंने औचक दौरा किया और वहाँ पर बता दें आपको कि एक ब्राइट इंस्टीट्यूट के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था और वो इंस्टीट्यूट जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। फिलहाल आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो उसको शिफ्ट किया जा रहा था और जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी थी कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो है, क्योंकि मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो है उसको डिसेबल किया गया था, मूवमेंट को रोका गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन के अंदर रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन बावजूद इसके लोग जो है कहीं ना कहीं इसकी अनमानी करते नजर आते हैं। जहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा दें किस तरह से जो है ब्राइट इंस्टीट्यूट सेक्टर 14 की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जहाँ पर उनका चालान भी काटा गया। आपको बता दें दो तरह के चालान काटे हैं, 500 रुपये के दो चालान भी कटे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई भी बनती नजर आ रही है। आपको बता दें इंसिडेंट कमांडर भगत सिंह ने औचक दौरा किया वहाँ सेक्टर 14 में और सेक्टर 14 के जो ब्राइट इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर कार्रवाई भी करी। तो अब तक के लिए इतना, जितना खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर ये क्या, यहाँ पर जो आपने गाड़ी पकड़ी है इसका क्या मौसम मसला है सर पूरा जी? ये जैसा कि सभी को पता है कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है और कोई अकेडमी है, ये पता नहीं कौन इंस्टीट्यूट है, इन लोगों की ये गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ी घूम रही थी यहाँ पर, तो अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा रेंट पड़ रहा है इस पर, लेकिन को ये नहीं पता। ये कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ से आए हैं, हमें ये नहीं पता पंचकुला में लॉकडाउन है या नहीं है। हम इनके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई बनेगी उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा पुलिस थाने लोकल को, और जो भी FIR दर्ज करेंगे, जो भी अवहेलना का जो भी नोटिस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर सर क्या फिलहाल अभी जो गाड़ी इसकी इंपोर्ट की जाएगी या फिर किस तरह का चलान किया जाएगा? हाँ, और देखा जाए सेक्टर 11 के कल की बात करी जाए तो एक जो इंस्टीट्यूट था वो खोला सिर्फ ओपन कर रखा था, उसका फिर चलान कटा, FIR भी हुई। हाँ, इसकी भी FIR दर्ज करवाऊंगा। मालिक जो भी होगा उससे मैं बातबूत हो रही है उससे हमारी, तो वो करेगी, हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन है या नहीं है। तो ये पहली बात, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ लॉकडाउन है या नहीं है। अगर इन्होंने गलतियाँ की है तो उसके लिए जो भी नियम के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी उसके लिए मैं पुलिस लोकल पुलिस को बोलूँगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन सा सेक्टर है सर ये? ये सेक्टर 14 है। ये कौन सी अकेडमी है आपकी? ब्राइट अकेडमी के नाम से ही, और जो भी कार्रवाई बनेगी हम उसके लिए संज्ञान में आए हमारे में कि ये इस तरह मोमेंट था इनका जो कि ठीक नहीं है इस माहौल में। जो भी होगी गलती माने थोड़ी होगा, ये कानून की अवहेलना करे आप सरेआम। नहीं वो हमें पता नहीं था। चलो मैं देखता हूँ। ओके, तो काम बिल्कुल ही आपको पता है ठप हो गया, काम है ही तो नहीं। आपको पता है ना लॉकडाउन लगा सर? लॉकडाउन का हमें पीए नहीं था कि चंडीगढ़ में फिर लास्ट ठीक कर लीजिए प्लीज। आज लास्ट डे है, लास्ट डे होने की वजह से ये, इस वजह से हमने, वरना हमने इतने दिनों से था ये हम नहीं कर रहे थे। आज हमें मेरा नाम सोनू है सर जी। एकेडमी आपकी है जी? मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज हूँ, यहाँ पे केयर टेकर हूँ मैं जी। तो आप सर जी यहाँ का नहीं, यहाँ पंचकूला का नहीं पता था और ये हमारा रेंट की वजह से आज लास्ट डे की वार्निंग दे रखी लैंड लोन। यहाँ पे रह रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि नहीं यहाँ पे नहीं रहे, हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ में तो लॉकडाउन है, वहाँ पे तो आप रोड से आ रहे हो तो आपको नजर आ रहा है। नहीं सर, सर जी ये हमें मतलब वो खाली, तो असल में खाली हम यहाँ पे खोल नहीं रहे, तो देख लो चाहे बच्चे कोई भी हो, सिर्फ इसीलिए कि हम सामान उठा के सिर्फ ले जाना और लाना ही, और कुछ नहीं। हमने यहाँ पे खोला हुआ है या कुछ स्पेशल, और बेचारों इन गाड़ी वालों की गलती नहीं है, जो बात है हम खुद ये आ नहीं रहते हैं ना जबरदस्ती, हम अपनी मर्जी से। मतलब उनको पता था कि लॉकडाउन है लेकिन आपको नहीं पता था? हमें नहीं पता था, क्यों झूठ बोले आप सर? और उन्हें भी बेचारों क्यों फंसवाए, क्यों ऐसे कोई वैसे कोई